ऑल राइट, सो हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड गाइस लिटरली मैं 4 दिन से पूरी ऐप पे गायब था। आप लोग में से काफी सारे लोग मेरे को डेली ऐप पे कमेंट करते गाइस क्या अपडेट आ रहे बीजीएमआई से, प्लीज बताओ। एंड क्राफ्टन ने फाइनली एक न्यू मेल सभी ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट टीम को सेंड किया, उसमें गाइस काफी बड़ा एक हिंट निकल के आ चुके। आपको पता है गाइस ये ऑफिशियल लोग को सबसे पहले गाइस सब कुछ मिल जाता है। और फाइनली क्राफ्टन इंडिया का गाइस एक न्यू लीक करते हुए एक भाई ऐप पे जो डेटा माइनिंग के थ्रू ये पता चल गया गाइस जो गेम है वो न्यू करके आ रहे, यानी कि जो मेन बीजीएमआई था वो हमारा नहीं आ रहे, न्यू करके हमारा बीजीएमआई अलग नाम अलग भाई सब कुछ अलग होने वाले, पूरी अलग ही वाइब्स होने वाले। तो इस वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जो भाई यहाँ पे लिक्स डेटा माइनिंग के थ्रू यहाँ पे निकल के आई है। एंड साथ ही हम बात करेंगे जो यहाँ पे जो मेल आई थी बीजीएमआई का जो यहाँ पे ऑफिशियली जो आया था सभी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के अंदर वो क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले सब ये वाले रिकॉर्ड को सुन लो। आफ्टर ने मेल डाल दिया, देखा आफ्टर मेल डाला है सारे बीजीएम टूर्नामेंट टूर्नामेंट कर रहा है सबको रोक रहा है, कोई भी टूर्नामेंट नहीं होने वाला। सबसे पहले ये चीज देखो जो ऑफिशियल प्रूफ है ई-स्पोर्ट्स का यहाँ पे जो craftrun.com यहाँ पे लिखा जो कि ई-स्पोर्ट्स का craftrun का जो ऑफिशियल ई-स्पोर्ट्स हैंडल है उसकी तरफ से कैसे पे मेल आया था। और यहाँ पे काफी सारा कैसे यहाँ पे ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट टीम का यहाँ पे आई थी। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर कैसे है क्या चीज, तो यहाँ पे देख सकते हो हाई टीम प्लीज नोट दैट दिस इवेंट हैज नॉट बीन अप्रूव फॉर द करंट डेट्स एंड वी रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज स्टॉप द मैचेस इमीडिएटली। यानी कि जो ये लोग जो गए जितना भी गए अनऑफिशियली जो टूर्नामेंट कर रहे हैं इसको कैसे पे क्राफ्टन ने पे अप्रूव नहीं किया है, यानी कि जो करंट डेट के अंदर गए जितना भी आप गए ये लोग कर रहे हैं, यानी कि जितना भी गए यहाँ पे स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट वगैरह कर रहे हैं उसको गए इमीडिएटली इसको स्टॉप करने के लिए बोल रहे हैं। भाई गए आगे क्या बताया मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि लिखा है इस प्लीज़ कॉन्सिडर दिस द फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग टू स्टॉप द इवेंट। यानी कि काफ़ी सारे के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो ये सब जो वार्निंग को कैसे अवॉइड करते हैं, और इसका आंसर कैसे यहाँ पे लिखा है जो फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग है। एंड इसके बाद लिखा है द टूर्नामेंट अप्रूव प्रोसेस हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड, यानी कि ये जो टूर्नामेंट जो प्रोसेस है अभी होल्ड पे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फिलहाल के लिए गेम अभी इंडिया के अंदर बैंड है और कैसे गवर्नमेंट के साथ जो प्रॉब्लम वगैरह तो वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुके। अगर कभी गेम जो पूरे बैंड है इसके अंदर कोई भी आने का कोई भी नाम निशान तक नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, यही रूल से इस गेम के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर ये गेम भाई बैंड होने के बाद भी कोई ऐसे अनऑफिशियल कैसे भी टूर्नामेंट वगैरह करता है बाद में अगर कोई भी दिखाया जाएगा इस पूरी प्रॉब्लम क्राफ्टन के ऊपर आ जाएगा, तो इस कारण से गाइस ये सारी चीज को बंद करने के लिए बोल रहे हैं। बाकी जैसे पूरी बीजीएम ऐप कंप्लीट आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे सारे ऐप गाइस जो ई-स्पोर्ट्स होगा वो करके पे न्यू करके पे स्टार्ट होने वाले। फिलहाल के लिए बात करते हैं ये जो मेल से के साथ भाई बीजीएमआई का क्या भाई यहाँ पे रिलेशन क्या है, इससे गाइस बीजीएमआई एंड बैंड का क्या रिलेशन है। सबसे पहले गाइस देख सकते हो गाइस आपको कुछ दिन पहले गाइस हमारा गेम के अंदर जो गाइस ये वाला इवेंट आया था, ये इवेंट का जो मेन रीज़न है वो पता चल गया। ये जो इवेंट था ये कोई ग्लिच के कारण से नहीं आया था, ये हमारा गेम के अंदर हाइप बनाने के लिए यानी कि लोगों को बताने के लिए गेम यहाँ पे आ रहा है, इसी हाइप को क्रिएट करने के लिए ये इवेंट को दिया है। और थोड़ी देर बाद ही गाइस इवेंट को यहाँ पे रिमूव भी कर दिया क्योंकि क्राफ्टर यहाँ पे पूरे पे मेंशन तो नहीं कर सकते, तो ये छोटे छोटे गाइस यहाँ पे हिंट देकर हम लोग को यहाँ पे जो अलर्ट करें यानी कि गेम हमारे यहाँ पे जल्दी आ रही है। और गाइस कुछ ही दिनों बाकी है गाइस, हम भी गाइस यहाँ पे थक चुके हैं ये सारे बैन अपडेट दे दे के, हम लोग को भी कुछ कुछ यहाँ पे न्यू कंटेंट चाहिए, हम लोग भी यहाँ पे न्यू करके बीजीएमआई को खेलना चाहते हैं, तो जल्दी यहाँ पे बीजीएमआई आ रही है तो वेट करो। एंड ऐसी अपडेट और भी पाने के लिए भी भाई रिटर्नली कह रहा हूँ भी एक एक दिन के अंदर गाइस काफ़ी सारा अपडेट आने लग जाएगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो। और गाइस जो ई-स्पोर्ट्स का जो गाइस यहाँ पे जो आया था मेल इससे गाइस काफ़ी बार एक हैंड क्लियर होती है गाइस जो बीजीएमआई है वो इस कारण से ये सारे जो अनऑफिशियल जो टूर्नामेंट हो रही है इसको बंद करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इस बीजीएमआई कम बैक कर रहे हैं, तो ये सारे भाई छोटा छोटा जो अनऑफिशियल टूर्नामेंट होगा तो बाद में गाइस इंडिया का जो गवर्नमेंट अगर ये सब चीज़ को देखेगा तो बाद में और भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए ये सबको बंद करने के लिए बोल रहे हैं। और जैसे ये बोल रहे हैं कि ये जैसे प्रोसेस जो होगा स्टार्ट होगा वो सभी को बता देगा, यानी कि जो प्रोसेस कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पे स्टार्ट होने वाले बीजीएमआई आने के एक दो मंथ की बाद। अभी बात करते हैं और एक बड़ा हिंट के बारे में, जैसे कि आपको पता है कि आईक्यू न्यू 7 जो हमारे इंडिया के अंदर कुछ दिन पहले पे लॉन्च हुआ था एंड लॉन्च की बात है कि जो ऐड आई थी एंड इसी ऐड के अंदर कैसे पता है कोई भी आईक्यू जो बीजीएमआई का ऑफिशियली है और कोई भी गेम वगैरह कोई भी मोबाइल वगैरह कोई भी लॉन्च करता है तो वैसे वो गेमिंग के लिए ज़्यादा एडवर्टाइज वगैरह देता है, तो इसी कारण से आईक्यू न्यू 7 के अंदर कैसे ऐड आई थी जिसके अंदर कैसे पे बीजीएमआई कॉल ऑफ ड्यूटी और न्यू स्टेट देखने को मिल रहा था। बट इसके अंदर भाई खास बात ये कैसे पे वेरी सून लिखा है यानी कि कैसे जल्दी आ रही है। और भाई आपको पता है जो आईक्यू है ये पूरी ऑफिशियली है काफ़ी सारा टूर्नामेंट के अंदर जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के अंदर काफ़ी सारा फ़ोन के पे गए जो इन लोगों ने गए अपना स्पॉन्सर के लिए पे प्रेजेंट किया था तो ये ऑफिशियल है, तो इसलिए कैसे भाई वेरी सून लिखा आ रही है। और रिटर्नली बता रहा हूँ भाई अपडेट वीडियो बनाते हुए काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि गेम आ रही है और हम लोग को भी कैसे ये सब चीज़
और पसंद नहीं हो रहे क्योंकि हम लोग भाई अलग ही कंटेंट ट्राई करने वाले हैं। एंड फिलहाल के लिए भी जो बात करने वाले हो जो डेटा माइनिंग के थ्रू जो बात हो रही थी, डेटा माइनिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ निकल गई है। जैसे आपको पता है कि हमारा जब बीजा में आया थी तो बीजा में के टाइम में हमारा जो डेटा था वो कुछ कुछ जब जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर स्टोर किया जा रहा था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसी कंपनी है उसके अंदर सारे यहाँ पर डेटा को क्लाउड किया जाता है, ठीक है। अभी कैसे जो BGMI का जो भी न्यू करके आ रहा है तो इसके अंदर कैसे काफ़ी बड़ा एक जो होता है मतलब एक लिक्स निकल गई डेटा माइनर के थ्रू, यानी कि जो लेस ग्रो ई स्पोर्ट्स ने कैसे अभी कुछ देर पहले पे डाला था, तो इसके अंदर कैसे भी जो ई निकल के आ चुके जो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको बता दूँ पूरी सिस्टम क्या है, अभी जो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर यहाँ पे नहीं रहने वाले बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर, अभी रहने वाले कैसे यहाँ पे अमेजन का वेब सर्विस, यानी कि अमेजन का भी क्लाउड स्टोरेज होती है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाएगा क्लाउड, तो वो सारी चीज़ अभी कैसे भी अमेजन वेब सर्विस के अंदर होने वाले, यानी ये कैसे भी सारे डेटा अमेजन के अंदर कैसे यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। तो इससे कन्फर्म हो जाती है कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का जहाँ पे जो जितना भी डेटा था अभी कैसे यहाँ पे स्टोर किया जाएगा अमेजन सर्विस के अंदर। अभी गाइस एक चीज़ है पे गाइस देखो जो कॉमन सेंस वाली बात है, अभी अगर मान लो अगर मेरा गेम से प्रॉब्लम था तो अभी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का ऐप पे कैंसिल नहीं करता, अभी गाइस पूरी गेम को पे न्यू करके आएगा, यानी कि गेम के अंदर कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो, बाद में गवर्नमेंट कोई भी इशू को पे इसके सामने ना रख दे, इस कारण से सभी चीज़ को नए करके ला रहे। अभी मान लो इस बार अगर गेम बैन हो जाते तो गेम कभी भी नहीं आएगा, इसी कारण से सभी चीज़ को एकदम फ्रेश करके यहाँ पे गेम को यहाँ पे ला रही है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अक्की ओपी जो कि ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर है BGMI की, तो गाइस यहाँ पे अक्की ओपी तो वो भाई ने पे क्या बोला सबसे पहले वो चीज को सुनो, इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। क्राफ्टन को भी पता है कब आ रहा है, वो अलग बात है कि तुमको नहीं पता। यस इसने तो बात खत्म कर दी गाइस, तो जैसा मुझे पता है ये बात टीम को पता है गेम की जो लॉन्च पार्टी है वो अप्रैल में। ओह माय गॉड अब आया ना टॉपिक, यानी कि जो गेम का लॉन्च पार्टी है वो कैसे भी अप्रैल में होने वाला है, यानी कि लॉन्च पार्टी तब भी होते हैं जब गेम यहाँ पे पूरे यहाँ पे ऑफिशियली आ जाते हैं, यानी गेम आने के कैसे कुछ दिन बाद यहाँ पे लॉन्च पार्टी होते हैं, यानी कि लॉन्च करने का जो पार्टी होते हैं वो करने वाले सभी क्रिएटर के साथ मिलके। तो इस कारण से कैसे बताया गया जो अप्रैल के अंदर कैसे हमारे यहाँ पे लॉन्च पार्टी होने वाली है। एंड आपको काफ़ी सारे लोग जो बताया था कि डेल्टा 28 जो बंदा था जो कि ऑफिशियली है वो भी कैसे बताया गया जो BGMI वो अप्रैल का मिड में आएगा, एंड साथ में हैक्स भी जो कि आप लोगों के साथ मैं दिखाया भी था यहाँ पे देख सकते हो, जो कि इन्होंने भी बताया गया पे 11 अप्रैल को BGMI आने वाले। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टूर्नामेंट जो टीम है उन लोग ने बताया गया 11 अप्रैल को कैसे हमारा गेम आने वाले, तो 100% कैसे अप्रैल के अंदर हम लोग को गेम देखने को मिल जाएगा। पैशंस बना के रखो और साथ में कैसे मार्च के अंदर हम लोग को कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो प्रेशन वगैरह काफी कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, इतना सारा अपडेट दे रहे तुम्हारा भाई। बाकी यार ऐसी कोई भी अपडेट जब भी आ जाएगा सबसे पहले दे दूंगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं कमाल का वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम एंड द सायनरा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।